हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूं मैं। 8 o'clock हो रहे हैं, नहा धो के आ गई हूं। और ये व्लॉग है सैटरडे का, अमावस्या वाले दिन का। और आज है श्राद्ध का लास्ट दिन। और आज के दिन हमारे यहाँ श्राद्ध डलता है, मतलब मैं डालती हूँ सिर्फ 2 श्राद्ध, एक ससुर जी का, एक लास्ट वाले दिन का, अमावस्या वाले दिन का, जिसमें सभी आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं खाना बनाने की तैयारी करने आ गई थी। नहा धो के एकदम शुद्ध मतलब होके खाना बनाती है। आलू बॉईल करने में पहले ही रख गई थी। यहाँ पे आलू, थोड़े से बर्तन आलू बॉईल किए हैं और ये बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया था थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे नहीं रह पाते हैं, हस्बैंड हैं घर में और वो डालेंगे श्राद्ध। तो आज सभी का श्राद्ध डलेगा। सासू माँ अलग अलग डालती हैं, मैं एक अपनी ससुर जी का डालती हूँ और डालती हूँ लास्ट वाले दिन का, जिसमें सभी आ जाती हैं। यहाँ खीर बनने रख दी है मैंने, दूध बॉयल हो गया था, उसमें चावल डाल दिए। और ये मैं बना रही हूँ आज बेड़ई। और ये मैंने रात को गला दी थी उड़द दाल, जिसमें मैंने हरी मिर्च और डाला है अदरक डाल के, इसको पीस लिया है। श्राद्ध में मैंने पहले ही बताया है आपको कि उड़द दाल का यूज़ करना बहुत शुभ मानती हैं, तो इसीलिए आज मैं बेड़ई बना रही थी। एकादशी वाले दिन मैंने दही बड़े बनाए थे, आज सोचा कि चलो बेड़ई बना देते हैं। यूपी की फेमस डिश है बेड़ई और आलू की सब्जी, तो आज वही बनेगी और कुछ और भी बनेगा। तो बस बेड़ई में क्या करना है हमें, जैसे हमने वो उड़द दाल जो पीसी थी वो पीस लेना है, फिर इसमें आटा मिक्स कर देना है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और अजवाइन डालनी है, कसूरी मेथी डालनी है और मैं डालती हूँ साबुत जीरा, थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, और फिर नमक डाल के इसका आटा लगा लेना है। और बहुत ज़्यादा ढीला नहीं लगाना और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना। इसमें मोइन और डालना है, मोइन दिखाना मैं भूल गई, मोइन मैंने डाला था। आप चाहो तो घी का मोइन डाल सकते हो, नहीं तो आप डाल सकते हो कुकिंग ऑयल। तो बस यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है बेड़ई का। और ये लगा रही हूँ मैं कचौड़ी का आटा। कचौड़ी में मैंने डाली है थोड़ा सा डाला है दही, थोड़ा सा डाला है अजवाइन, मोइन, और डाली है मैंने सूजी। और सूजी से बड़ी खस्ता कचौड़ी बनती है। आलू की कचौड़ी भी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे जब खीर बनती है ना, जैसे चावल की, तो उसके साथ मेरे हस्बैंड को है ना आलू की कचौड़ी बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज वो भी बना देते हैं और सब देवता जो है खुश हो जाएंगे। थोड़ा इतना अच्छा खाना बनाना चाहिए। अमावस्या वाले दिन खीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खीर बहुत ज़रूरी है। और आप दही मतलब जैसे उड़द की दाल का कुछ भी बना सकते हो, वो तो शुभ होता ही है, इसीलिए मैंने बेड़ई बना ली थी। वैसे खीर पूड़ी इस टाइप से, बस खीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अमावस्या वाले दिन। तो बस यहाँ मेरी खीर बन रही है। और खीर बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, मेरे करीबन 2 घंटे के करीब लगते हैं मुझे खीर बनाने में, क्योंकि मैं जो चावल पकाती हूँ ना वो पकाती हूँ दूध में ही, तभी अच्छी बनती है। और यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी करने लग गई थी। टमाटर और हरी मिर्च वगैरह कट करके डाल दिए हैं। और यहाँ खीर में डाल रही थी मैं ये कलौंजी नहीं, सॉरी ये है क्या बोलते हैं इसको, चिरौंजी। हाँ चिरौंजी, देखो मैं क्या भूल जाती है यार। ये चिरौंजी डाली थी मैंने। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताना, हमारे यहाँ चिरौंजी बोलते हैं, उसका मुझे नाम पता है। तो बस चिरौंजी डाली थी और डाला था ये मैंने काजू और मीठा डाल दिया था। और फिर इसको दोबारा पकने रख दिया था, मतलब मोस्टली पक चुकी थी, फिर और पका रही। खीर का ये है, उसको जितना ज़्यादा पकाओगे उतना अच्छी बनती है खीर। और यहाँ दूसरी साइड में करने लग गई थी आलू की सब्जी बनाने की तैयारी। जो बेड़े के साथ आलू की सब्जी मिलती है ना हमारे यहाँ यूपी में हलवाइयों पे, वो वाली सब्जी बना रही हूँ। टमाटर हरी मिर्च खूब अच्छी तरह पका लिए हैं, फिर उसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, जो बेसिक मसाले डलते हैं वो, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। फिर इसमें आलू और डाल दिए हैं मैंने मटर, मेरे पास फ्रोजन मटर थी तो मैंने डाल दी। अगर ऑप्शनल है, आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं भी चलता है। फिर इसमें पानी डाल के और इसको पकाना है। इसकी भी मतलब बस एक छोटी सी ट्रिक है, इसको भी जितना ज़्यादा पकाओगे ना उतनी ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। आलू की जो भंडारे वाली सब्जी होती है या बेड़ी के साथ जो खाने वाली होती है। खीर मेरी पक चुकी थी, वो मैंने साइड में मतलब उतार के रख दी थी। यहाँ धनिया कट कर रही हूँ हर चीज़ के लिए, बहुत सारा धनिया मैंने एक साथ ही कट कर लिया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में डलेगा। देखो सब्जी भी पक चुकी है, बहुत देर तक पकाई थी। सब्जी का पकने का एक वो होता है साइन कि देखो ये जो तेल है ना वो साइड में आ गया है, रेड पूरा ये तेल है जो कुकिंग ऑयल होता है, वो साइड में आ जाए, ये समझ लो आपकी सब्जी पक चुकी है। इसमें मैंने डाला गरम मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, फिर डाल देना है आपको खूब सारा धनिया। धनिया तो बहुत ज़रूरी होता है आलू टमाटर की सब्जी में, मतलब मुझे बिना धनिया के नहीं अच्छी लगती आलू टमाटर की सब्जी। एक खिल जाती है, वो कलर आ जाता है, बहुत टेस्ट भी आ जाता है, खाने का मन करता है देखते ही। तो बस सब्जी भी पक चुकी थी और ये अब करने लग गई थी मैं दूसरी सब्जी बनाने की तैयारी। दूसरी सब्जी मैं बना रही हूँ पनीर, और आज बना रही हूँ शाही मटर पनीर। तो पनीर रखा हुआ था, घर का बना हुआ पनीर था, तो मैंने सोचा चलो वो बना लेते हैं। लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डाल रही, नो ऑनियन नो गार्लिक का ही ये है। मैं बस खाली टमाटर हरी मिर्च में बनाऊँगी। पहले आपको कुकिंग ऑयल में सारे खड़े मसाले डाल देने हैं, फिर आपको जो आपने पेस्ट बनाया था, मतलब हरी मिर्च अदरक और टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया था, वो डाल देना है। इसको पकाना है ढक के, खूब अच्छी तरह पका लेना है। देखना पक के ना एकदम अलग अलग हो जाएगा। फिर इसमें सारे मसाले डाल देने हैं। अभी हाल फिलहाल आपको बेसिक मसाले ही डालने हैं, इसमें कोई अलग से स्पेशल मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़े से ट्रिक की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मसाले डाल के फिर हमें दोबारा से इसको खूब अच्छी तरह पकाना है। बहुत पकाने का ही मेन होता है सब्जी का। फिर इसमें मैंने डाला था आधा कटोरी की करीबन दही। दही से क्या है कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है ग्रेवी में। जब आपके प्याज और लहसुन नहीं है तो आप अगर चाह रहे हो कि वो एक अलग सा टेस्ट आ जाए तो आप दही डाल दो। फिर इसमें मैंने 2 चम्मच मलाई डाली थी क्रीमी टेस्ट लाने के लिए। मैंने कहा क्रीमी टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है, बच्चों को भी पसंद आता है, इसीलिए मैंने 2 चम्मच मलाई डाली थी। जब आप मलाई और दही डालें ना, तब कंटिन्यूस इसको चलाना है, फटने नहीं देना है आपको ग्रेवी को। फिर इसमें आपको मटर डाल देनी है। मटर जब पक जाए, बहुत अच्छा सा मतलब एक थिकनेस हो जाए सब्जी में, तो आपको पनीर डाल देना है। पनीर मैंने एकदम लास्ट में डाला था क्योंकि ये मेरे घर का बना पनीर है। घर का जो पनीर बना हुआ होता है वो बहुत जल्दी पक जाता है, मतलब फिर मेल्ट जैसा होने लग जाता है। फिर धनिया पत्ता डाल के आपको तैयार है आपकी शाही मटर पनीर की सब्जी। और हाँ, इसमें मैंने बीच में किचन किंग मसाला और डाला था, वो मैं बताना भूल गई। तो बस मेरी आलू मटर की सब्जी बन चुकी है, शाही मटर पनीर की भी सब्जी बन चुकी है, खीर बन चुकी है, आटा लगा चुकी हूँ। यहाँ पे अब कचौड़ी का मसाला बना रही थी, और यहाँ आलू में मैंने डाला है धनिया, मतलब हरा धनिया। फिर डाला है इसमें सूखा धनिया, लाल मिर्च और सौंफ, और डाला है आमचूर पाउडर, नमक। सबसे मेन है सौंफ। सौंफ ज़रूर डालिए आप अगर आप आलू की कचौड़ी बना रहे हो तो बहुत टेस्ट आता है। और मैं धनिया पत्ता भी बहुत डालती हूँ सौंफ के साथ में। बहुत से लोग होते हैं जो सौंफ डालते हैं तो धनिया पत्ता नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ। तो बस यहाँ मैंने कचौड़ी का मसाला तैयार कर लिया था, और ये बना रही हूँ मैं बेड़ई। और जब तक मेरा ऑयल गरम हो रहा था तब तक मैंने थोड़ी थोड़ी सी जो बेड़ई हैं वो बेल के रख ली थी। बहुत छोटी छोटी बेड़ई भी नहीं थी आज मैंने, अच्छी लगती है छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जिस साइज़ में आप बनाना चाहो बना लो। लेकिन थोड़ी सी क्रिस्पी सिकती है ये, आपको ऐसा नहीं है कि वाइट वाइट सेक दो, थोड़ी सी रेड होने तक इसको सेकना है, तभी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। एकदम क्रिस्पी जैसी बनती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पूड़ी भी बना ली थी, और जो पूजा पाठ है वो मतलब जो पूड़ी बनाने के बाद फिर मैंने किया था, थोड़ा सा गैप ले लिया था बीच में, पूजा के लिए अलग बना दी थी, और यहाँ पे अब मैं खाने के लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ। ये भी देखो कितनी मस्त फूली फूली बेड़े आ रही है, बहुत टेस्टी बनी थी। फिर यहाँ पर मैंने कचौड़ी बनाई थी। हाँ, कचौड़ी देखो, कचौड़ी भी बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल भी फटी नहीं थी कचौड़ी। और कचौड़ी में फटने का एक ट्रिक होती है कि आप है ना आटा हमेशा लूज़ लगाओ कचौड़ी का, बहुत ज़्यादा मतलब आपको नहीं लगाना टाइट। और जब भी आप कचौड़ी बनाओ तुरंत के तुरंत मसाला बनाओ, मसाले को बहुत देर तक नहीं रखना है। नमक डालने से क्या आलू थोड़े से मैसी जैसे हो जाते हैं, ज़्यादा देर तक रख लो। तो देखो ये है हमारी आज की अमावस्या की थाली, श्राद्ध की थाली। ये है शाही मटर पनीर, आलू मटर की सब्जी, और ये इमरती है, बेड़ई है, कचौड़ी है और खीर है। तो आप भी कर लीजिए हमारे साथ। आज का हमारा ये लंच था। तो बस यहाँ पे पूरे घर का काम वगैरह करके पूरी थाली बना के सबने खाना खा लिया था। 12 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। फिर मैं करने लग गई थी अपनी गार्डनिंग का काम। यहाँ पे देखो ये मैंने स्नेक प्लांट है, तो ये है ना ये इस वाले गमले में है, थोड़े से चौड़े जैसे गमले में है। और अभी है ना मैंने थोड़े से ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, तो मैंने है ना इंडोर प्लांट के लिए एक मंगाया है गमला जैसा, अच्छा है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा छोटा सा गमला चाहिए, इसको मैं अंदर लगाऊंगी स्नेक प्लांट को। और ये बड़े वाले जो गमले में है ना, ये वाला प्लांट है ना थोड़ा सा फैला फैला हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इस वाले गमले में से ये छोटे वाले गमले में ट्रांसफ़र किया है। और यहाँ पे बैठ के मैं आराम से, और मैं जो भी काम करती हूँ ना ये गार्डनिंग वाला, वो यहीं पर बैठ के करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अच्छा है कि चौकड़ी है ये, मतलब जो किचन के पास में होती है ना वो, यहाँ पे जैसे कोई भी काम करो फटाफट से नल चलाओ, साफ कर दो, धो दो। तो बस यहाँ पे मैंने मतलब ये वाला जो प्लांट है वो इसमें ट्रांसफर कर दिया था। फिर इसको मैं पोंछ रही थी गीले कपड़े से, क्योंकि ये गंदा हो जाता है, बाहर रखे रहते हैं तो धूल मिट्टी तो आती ही है। तो बस मैंने यहाँ पे ये इसकी जो पत्तियाँ हैं वो पूरी की पूरी अच्छी तरह साफ कर दी थी। फिर मैंने गमले को भी धो दिया था और फिर पूरे अपनी चौकड़ी को भी साफ किया था। तो बस ये था आज का मेरा ब्लॉग। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, कैसी लगी मेरी श्राद्ध की थाली वो भी कमेंट ज़रूर करना। और अगर पसंद आया तो लाइक किए बिना नहीं जाना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपने क्या बनाया था और आपको मतलब कैसा लगा खाना बनाने का, ट्रिक्स एंड टिप्स कैसे लगे। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे।